ठीक है, उसके बाद चीज़ें डिस्कस होना शुरू हो गई कि अच्छा ये है वो है। उन्होंने नदीम भाई की कॉल आई, नदीम भाई मुझे कहते हैं, नदीम बेग। हाँ नदीम भाई मुझे कहते हैं, यार तुम किन कामों में लगे हो, तुम्हें मैं टिकट भेज रहा हूँ, तुम आओ कराची, इधर आके बातें करते हैं, इधर आके बातें करते हैं। एक काम करना, एक काम करना बेटा, जिस तरह वो कहते हैं कि बेटे बेटे एक काम करो, अपना सामान ले आना साथ। नदीम भाई कब? कल आ जाओ। मैंने कहा नदीम भाई मुझे चीज़ें तो प्रिपेयर करने थे। नहीं, हो जाएगा सब, आ जाओ। मैं आ गया, आया तो मुझे स्क्रिप्ट पकड़ा के कहते हैं आओ ज़रा रीडिंग करके दिखाओ किस तरह होता है। मैंने रीडिंग करके दिखाई तो अच्छा, उस वक्त मेरी मोहब्बत गुमशुदा की शूट ख़त्म हुई थी, तो मुझे वो लुक अच्छा लगा था क्योंकि उसमें मेरी मस्ताश थोड़ी सी थी अपनी रियल वाली ना रियल वाली। रियल वाली मेरी वो भी एक थी, दुखी पॉइंट वो भी है थी, बहुत बहुत दानियाल का। टची हाँ पॉइंट है वो, तो मैं या हर्ट हो जाता हूँ। तो उफो। वो थी, तो वहाँ पर नदीम भाई और इरफान भाई बैठे हुए थे ऑफिस में, तो सारा कुछ हो गया। तो इरफान भाई कहते हैं यार एक काम करो नदीम, इसकी ना मूछें काट दो, इसकी ओहो लिप्स से ऊपर ले जाओ, इसके दोनों लिप्स नजर आने चाहिए। नदीम भाई ने कहा बेटे जाओ मशीन करो। वो तो बहुत आपके लिए पॉइंट होगा, आपसे लाइक नहीं। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हमें एक यंग कैरेक्टर चाहिए, एक इस तरह का लड़का जो मेच्योर नहीं है, तो हमने उसकी ट्रांसफॉर्मेशन दिखानी है कि वो मेच्योर किस तरह हुआ। तो वो तो लाडला है अपनी माँ का। तो उन्होंने जब मुझे कहा था कि कुबरा है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, मैंने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। मुसद्दिक, नदीम भाई और कुबरा, ये तीन तीन चीज़ें नाम। थीं जिसकी वजह से मैंने ड्रामा किया विदाउट इवन रीडिंग द स्क्रिप्ट। और मुझे कहना नहीं मैं चाहता, लेकिन मुझे था कि क्योंकि मुसद्दिक ने और ARY ने मेरे लिए फाइट की थी उसमें चैनल पे, क्योंकि मैं नया हूँ और कुबरा के साथ आ रहा हूँ, तो मेरे लिए फाइट की थी उन्होंने। और उन्होंने कहा था कि ट्रस्ट मी, नदीम भाई ने कहा था ARY कि ट्रस्ट मी मैं कर रहा हूँ। अब नदीम भाई गलत नहीं हो सकते, बिल्कुल। तो उन्होंने ट्रस्ट किया। फिर मुसद्दिक न्यू डायरेक्टर था, और लेकिन जब मैं मुसद्दिक से मिला और मुसद्दिक जिस तरह काम कर रहा था, क्योंकि जितना कुछ हमें स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ये उस वक्त हमें नज़र नहीं आता था, ऑफ उस वक्त कोर्स मॉनिटर पे हमें नज़र नहीं आता था। हालांकि फ्रेमिंग तो वही होती थी, बट हमें नज़र नहीं आता था, इम्पैक्ट वो नहीं फील होता वो था। इम्पैक्ट नहीं फील होता था। लेकिन जब मुसद्दिक ने ये सब मास्टरपीस हमें किया। दिया है, यस यस और मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा, जबरदस्त, बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया बहुत देख के अच्छा, नूरजहाँ। बहुत अच्छा था। एंड ऑल द इश्यूज वर सो रिलेटेबल। फैन रिएक्शन क्या है, ऑडियंसेस अभी बाहर जाते हैं क्या कहते हैं? कल ही हम लकी वन पे थे। हाँ लकी वन पे तो थे क्या हम, हुआ था, कैसा हो रहा था कल? बस लोग मैं नहीं बता हीरो बोलते हैं, क्या सकता, बोलते हैं, क्या आवाज़ देते हैं? मुराद हीरो यही बोल रहे होते हैं, और जो बहुत पुराने जाने वाले हैं वो दानियाल भाई के दानियाल, नाम मैं से वही कह रही हूँ, उस होता जमाने में तो दानियाल की है। हाँ आवाज़ उस आती जमाने होगी, से दानियाल है की ना? आवाज़ थी। तो अब या ये अब मुराद और हीरो भी नहीं होता, हाँ अब मुझे कहते हैं आप वो नूरू मामा वाले हैं ना, ओ आप नूरू मामा के आप नूरू बेटे। मामा वाले हैं। या तो क्योंकि क्योंकि उनका नूरू नाम मैं मामा नहीं रखा था ना, एग्जैक्टली, और और उनको कोई भी नूरू मामा वो नहीं अच्छा कहता भी था। तब लगता था व्हेन हाँ यू वुड कॉल हिम नूरू हाँ मामा, यू और नो। ये ऐसे हमारे ड्रामे में ऐसी काफ़ी चीज़ें थी जो कि या स्क्रिप्ट में नहीं थी, ओके, जैसे तो मेरी ये माँ नूरू का मामा इजाद कैसे हुआ? मुसादिक और नदीम भाई, अच्छा उन्होंने मुझे कहा कि नूरजहाँ है तुम, अली बेटे तुम इन्हें नूरू मामा कहो। एक दिन सीन में ऐसे बोल दिया। हाँ हाँ आप सीन कर रहे हो और कहा कि और अभी। नदीम भाई ऐसे थे कि मैं हाँ एक दफ़ा नदीम भाई सेट पे थे हाँ स्टार्ट स्टार्ट के दिनों में, तो मैं जिम से आया हूँ क्योंकि मैं पहले हाँ जिम जाता होता था, मैं जिम से आया हूँ। तो एक सीन है मेरा जिसमें मैं कमरे में एंटर होता हूँ, इवन अभी मैंने स्टोरी भी पोस्ट किया हुआ था। तो मैं जिम से आया हूँ तो नदीम भाई भाई बेटे कुछ नहीं करना ऐसे ही आ जाना अंदर, ये लाइन है ऐसे ही आ जाना अंदर। मैं कहा नदीम भाई कुछ तैयार होने दे मुझे, अरे नहीं, करने थे, मैं एक्टर कुछ हूँ। नहीं कुछ नहीं नहीं करना ऐसे ही आ जाओ। हाँ मैं आ गया अंदर, मैंने कहा अच्छा ठीक है पासिंग है पासिंग है, इतनी लंबी स्क्रिप्ट पकड़ा के मुझे कहते हैं पासिंग है कर दो कर दो। पासिंग मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं कर दूँ। तो वो फिर इस तरह के हमने किए सीन्स, और इवन ड्रामे में आपने देखा होगा कहीं पे भी उस तरह से मेरे बाल बने नहीं हुए। तो उनको सारा सीन ये था कि नदीम भाई ने कहा कि इसके बाल इस तरह रफ रहेंगे, मुसद्दिक ने मेरी लुक डिसाइड की कि ये रफ रहेंगे। तो मैंने क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखानी थी कि एक बॉय जो लाडला था जो कुछ भी कर लेता था कि अपनी माँ से कोई भी बात कर ट्रू सकता है कुछ भी कर ट्रू सकता है, तो वो आगे 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 किस तरह गया। क्योंकि जब ज़मीनों पर जाना मैं शुरू करता हूँ तो मैंने मोस्टली शलवार कमीज़ पहनी, यस ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ट्रांसफॉर्मेशन हमने दिखानी थी, शेड्स ऑफ मुराद, तो यस वो दिखाने सो थे एंड हाउ हमने। वाज दैट सीन जिसमें वो सीढ़ियों से नीचे उतर के नूर बानो के बाप को जो पकड़ के, कि एक ही उसमें किया आपने या क्या? वो बहुत अच्छा सीन था, हाँ
उसकी टेक्स एक्चुअली बहुत ज्यादा थी ओके क्योंकि उसके एंगल्स डिफरेंट थे और वो बहुत सारे एंगल से शूट हुआ क्योंकि पूरा वो कमरा वो जो नीचे का एरिया वन टेक में हो गया था ओके वन टेक में हो गया था अब हुआ क्या जब हम सीन शूट कर रहे थे तो जो टेबल था ना थोड़ा बड़ा था और वो ऊंचा था तो यूसुफ भाई लाइक ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन लाइक आई लव हिम और वो बहुत अच्छी दोस्ती है मेरी उनकी तो उन्होंने ना उनको नीचे सपोर्ट दी कि आपको जब अली लेके आएगा ना पीछे तो आपने इस टूल के ऊपर चढ़ के तो ऐसे लेट जाना तो हम वो चीज़ें कैमरा कटिंग में क्लोजेज में काट देंगे तो उन्होंने कहा जी ठीक है ठीक है ठीक है अब वो स्टूल रख के हमने सी आर किया नदीम मुसादिक ने कहा कि ओके करते हैं तो अब मैं वो कर रहा हूँ तो जब एक्शन हुआ ना और जब मैं उनको ऐसे देखता हूँ तो मैं उनको पीछे मारता हुआ लेके आ रहा हूँ तो अब मैं जब पीछे ऐसे लेके आ रहा हूँ वो रेजिस्ट कर रहे हैं और वो प्रॉपर स्लाइड होके जा रहे हैं तो अब मैं ऐसे करके मैंने देखा और स्टूल गायब है नीचे से और ड्रोन पे भी शॉट हो रहा है और कैमरे पे भी शॉट हो रहा है मैं कह रहा हूँ कि यार अब सीन नहीं तोड़ना क्योंकि फील होती है ना इमोशन होता है वो टूट जाता है फिर उस तरह से नहीं होता चीखा भी नहीं जाता दो थॉट्स चल रही हैं साथ हाँ चीखा भी नहीं जाता और मैं साथ साथ चीख भी रहा हूँ तो मैंने ऐसे देखा मैंने कहा स्टूल नहीं है मैंने उनको ऐसे ही उठा के तो मैंने टेबल और यूसुफ भाई ने मुझे ऐसे देखा मैं यूसुफ भाई को इशारा करूँ नहीं नहीं कुछ नहीं तो उन्होंने मुझे आंख से इशारा किया तो अब मैं मारना शुरू हूँ उनकी टर्बन गिर गई अब मैं साथ साथ चीख रहा हूँ और मैं मार रहा हूँ और ही वॉज सो गुड क्योंकि एक्टर के लिए ना उसके जो उसके साथ को एक्टर है तो उसका रिएक्शन बहुत ज़रूरी होता है वरना हम नहीं कर सकते उस तरह से सही बात है क्योंकि वो फेक लगता फिर अब मैं मार रहा हूँ और वो उस तरह अपना मुँह कर रहे इधर कर रहे उधर कर रहे टर्बन गिर गई अब मैं चीख रहा हूँ साथ साथ और मैं मेड अप नहीं चीखता मैं जेन्युइन जिस तरह चीखता हूँ मैं उसी तरह चीखता हूँ अब सब सबका क्यों ये था कि जब उनकी टर्बन गिरती है ना और मैं मार रहा हूँ तो सब आके मुझे छुड़ा लेते हैं और मेरे भाई उनको मारते भी ले जाते हैं अब सबको लगा ओरिजिनल लड़ाई लाइक रियल लड़ाई हो गई कोई नहीं आ रहा और मैं मारी जा रहा हूँ कोई भी नहीं आ रहा अब सब हमें लग रहा है कि मुसद्दिक को शॉट अच्छा लग रहा है तो वो ले रहा है लेकिन उनको लग रहा है कि जेन्युइन लड़ाई हो गई तो अब ना एक बड़ा अजीब सा सिनेरियो बना हुआ तो मैं मार रहा हूँ और मैंने देखा कि यार टर्बन गिर गई है मैंने इतना मार लिया कोई भी कोई नहीं आया रहा। तो अब वो सीन उन्होंने लगाया नहीं तो मैंने उनका कुर्ता पकड़ के फाड़ दिया और कुछ समझ नहीं आई कुर्ता पकड़ के फाड़ दिया क्योंकि जब वो उठते हैं ना है तो सही वो कुर्ता फटने वाला कुर्ता फटा दिखाया लेकिन वो फाड़ने वाला नहीं दिखाया तो जब मैंने फाड़ा था तो इस भाई ने मुझे ऐसे देखा कि ये क्या किया है तो मेरे कपड़े थे तो ना अब पीछे से आवाज आई है जाओ चुड़ाओ से वो फिर आए उन्होंने मुझे छुड़ाया तो फिर वो सीन बार बार शूट हुआ और उस सीन में फिर उनके लिए कुर्ते और आए कि सेम चाहिए क्योंकि अब फाड़नी पड़े तो वो बड़ा मजे का सीन था बहुत मजा आया ये तो बड़े मजे की स्टोरी सुनाई बहुत हमारे सेट पे अगर मैं हूँ सेट पे और अगर मजे की स्टोरी ना हो तो फिर मेरे होने का कोई फायदा नहीं है कोई और है किस्सा जो आप सुना सकते हैं नूरजहां के सेट पे से नूरजहां के सेट पे ऐसे बहुत से किस्से आपका और कुबरा का कुबरा और मेरा तो कुबरा तो बहुत अच्छी है लाइक मैंने इतना स्वीट इंसान अपनी लाइफ में नहीं देखा और लाइक जेन्युइनली और मुझे अभी भी मेरी उससे बात होती है लाइक शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन और माशाल्लाह मुझे लाइक मुझे इतना अच्छा लगा उसके साथ काम करके कि मैं लाइक एक्सप्लेन नहीं कर सकता जिस तरह उसने मेरा ख्याल रखा है कि मैं लाहौर से था मैं कराची आता था उसको पता था ये जिम जाता है और ये बाहर से खाना नहीं खाता क्योंकि अक्सर होता था कि सेट पे खाना आता था ना तो मैं ऐसे देखता था कि ऑयल है वो और मैं बाहर से खाता नहीं बहुत कम खाता था मैं तो अब तो खैर मजबूरी है तो खाना पड़ता है हमें तो फिर वो घर से बना के लेके आती थी मेरी थी कि अली ये मैं लाई हूँ तो ये तुम भी खाओ That's nice. तो बहुत ख्याल रखा उसने मेरा सेट पे और अगर मेरी और उसने बड़ी बहनों की तरह मेरा ख्याल रखा और सबा हमीद के साथ काम सबा आपा बहुत अच्छी है मैं सबा आपा की एक्टिंग देखा लर्निंग का कितना एक्सपीरियंस होगा ना इन द वे यू टेलिंग मी कि आपने सबा कमर से भी चीजें गुना के सेट पे थोड़ी देर के लिए थे लेकिन फिर भी आपने पिक किया तो यू मस्ट बी पिकिंग अप अ लॉट फ्रॉम दीस पीपल मुझे अच्छा लगता था कि जब सबा आपा मुझे कहती थी जब मैं उनको कहता था कि हम लाइंस करते हैं और वो मुझे कहती थी कि हाँ आओ लाइंस करते हैं तो हम लाइंस बैठ के रिहर्स कर रहे होते थे और वो मुझे बताती थी कि अच्छा इधर ना ये कर लेना इधर ये कर लेना और मैं करता था हाँ मैं करता था मैं नहीं शर्माता मुझे इस चीज़ में कोई शर्म नहीं है कि अगर कोई मेरा सीनियर एक्टर है तो मैं उसके पास जाऊँगा और मैं सीखूँगा तो वो ये ना समझे कि यार अच्छा इसको तो कुछ नहीं आता या मैं ये ना समझूँ कि मुझे तो सब आता है
जो सीनियर है वो सीनियर है, उसने ज्यादा काम किया, उसको ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो मुझे सीखना है। ये तो फ्री ट्रेनिंग है, मुझे लगता है ये दीस पीपल आर इंस्टीट्यूशंस, कितने सालों का एक्सपीरियंस है इनका।